guys, welcome back to my channel. My name is Rahul and you're watching my channel. So thank you for clicking on this video because I'm going to teach you something very cool. Because if you're a pen spinner, agar aapne koi aur pen spinning trick seekh rakhi hai to aapko ye bhi seekhni chahiye jo aapko main is video mein sikhane wala hu. Because this is called finger pass. Aap fingers ke beech mein kis tarike se ek pen ko twirl kar sakte hain, ghuma sakte hain and use pass bhi kis tarike se kar sakte hain. For example, from between to these two fingers to these two fingers, it's like a really easy thing. Aur baki sari pen spins mein I think one of the easiest yahi hai. So without wasting any time, let's get to it. But before that, there's just one thing, to subscribe to my channel because I have lot of content now. Main ab tak bahut zyada videos dal chuka hu apne channel pe aur sari bahut achhi hain because usme maine bahut alag cheeze sikhayi hain baki channels ke comparison mein. Because main chahta tha ki main kuch alag sikhaun, but ab problem ye hai ki un pe views isliye nahi aa rahe kyunki logo ko pata nahi hai ki yes, ke there is a channel like that. So all I want you to do is to just look at that those videos. And if you have a really good view about my videos, please click that subscribe button because I think it's really supporting for me. And that's it. So without wasting any time, let's see the tutorial video. So guys, let's start the tutorial video for this particular pen spinning move. So iske liye aapko kya karna hai ki koi bhi pen mop chahiye. Agar aapke paas ye nahi hai to aap kisi bhi pen se kar sakte hain, koi farak nahi padta is move ke liye. ये सबसे आसान मूव है पेन स्पिनिंग के लिए. तो सबसे पहले मैं आपको इसकी पोजीशंस बता देता हूँ. तो अब ग्रिपिंग के लिए आपको क्या करना है कि बिल्कुल उसी तरीके से पकड़ लेना है जैसे कि आप नॉर्मल पेन स्पिनिंग में पकड़ते हैं. अगर आपको वो भी नहीं आती तो मैं आपको वो भी सिखा दूंगा. पहले आप इस ग्रिप को समझ लीजिए. इस मूव के लिए इस तरीके से आपको पकड़ना है. बॉटम हिस्सा थंब के जस्ट नीचे आएगा और जो मिडल टू फिंगर्स हैं, मिडल फिंगर और रिंग फिंगर, उनके बीच में ऐसे पेन रोटेट करेगा. तो पहले आपको ये नॉर्मल स्पिन आनी चाहिए. ये जो मैं स्पिन कर रहा हूँ ये सबसे बेसिक स्पिन है पेन स्पिनिंग में. आपको ये पहले आनी चाहिए तभी आप आगे कर पाएंगे जो डबल स्पिन है. अब ये डबल स्पिन कैसी लगेगी आप वो देख लीजिए. ये कुछ इस तरीके से दिखेगी और ये इसमें पेन आप दो बार घुमा रहे हैं तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा. और इसे ही कहते हैं फिंगर पास, कि आप अपनी मिडल फिंगर और रिंग फिंगर से ले जाके इसे इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में लेके जा रहे हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड फिंगर पास. तो पहले आपको सबसे बेसिक वाला समझना है. पहले आपको बता देता हूँ. आपने इस तरीके से पकड़ा, आपकी जो इंडेक्स फिंगर है वो जस्ट पेन के बीचों बीच है और आपकी मिडल फिंगर जस्ट थोड़ा सा ऊपर है और जो बॉटम हिस्सा है वो थंब के बीच में इस तरीके से प्लक हो रखा है. आपको ये ग्रिप पहले समझनी अच्छी तरह और ये आ जानी चाहिए. उसके बाद आपको ये नॉर्मल स्पिन आनी चाहिए, सबसे बेसिक स्पिन. अगर आपको नहीं आती है तो मैंने इसकी एक एक्सप्लेन वीडियो पहले ही डाल रखी है, आपको ऊपर दिख जाएगी आते हुए, आप देख लीजिए. और मैं इसमें आपको बता देता हूँ. इस तरीके से आपको अपनी उंगलियाँ खोलनी हैं इस तरीके से और ये जब ये रोटेट होने लगे तो आपको उंगलियां अंदर की तरफ कर्ल करनी है. पहले आपको उंगलियां खोलनी है फिर उसके बाद अंदर की तरफ दोबारा कर्ल करनी है. ये बहुत आसान है. मैं इस पे ज़्यादा सिखाऊंगा नहीं आपको. मैं सीधा आगे बढ़ना चाहता हूँ क्योंकि आई थिंक आपको फिंगर पास के लिए थोड़ा ज़्यादा समय चाहिए सीखने के लिए. अब आते हैं फिंगर पास के ट्यूटोरियल पे. जैसे कि आपने इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर के बीच में पेन को पकड़ा था, इस बार आपको मिडल फिंगर और रिंग फिंगर के बीच में इस पेन को पकड़ना है और दो थंब के पास जो पेन रहेगा, जो बॉटम हिस्सा, वो बिल्कुल सेम पोजीशन पे रहेगा. और फिर आपको ये वाली रोटेशन करनी है जो आप बेसिक रोटेशन करते हैं, सेम रोटेशन करनी है. बस दो दूसरी फिंगर्स यूज़ करनी है, इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर की जगह मिडल फिंगर और रिंग फिंगर. तब आपको ये रोटेशन करना सिखाऊंगा मैं इस तरीके से. जब आप फिंगर में पास करेंगे पहले आपको ये बेसिक स्पिन आनी चाहिए, ये बेसिक स्पिन. उसके बाद आपको ये पेन को पास करना है अपनी इंडेक्स फिंगर थोड़ी सी पीछे ले जाके. इसे मैं स्लो मोशन में पहले आपको करके दिखा देता हूँ. ये कुछ इस तरीके से पेन होगा, ये इंडेक्स फिंगर आपकी पीछे चली जाएगी गैप बनाने के लिए और जब वापस आएगी तब इसे कैच कर लेगी. आप अपनी इंडेक्स फिंगर पीछे लेके जाएंगे, उसके बाद झटके से आगे लेके आएंगे जब पेन आ जाएगा. उसके बाद इस तरीके से इसे रोटेट करेंगे. अभी आपको मैं अच्छी तरह एक्सप्लेन करने वाला हूँ, चिंता मत करिए. मान लेते हैं कि आप इस पोजीशन में आ गए, उसके बाद आपको क्या करना है. यहाँ से आप इस पोजीशन में आ जाएंगे, उसके बाद आपको जस्ट इंडेक्स फिंगर से थोड़ा पीछे की तरफ धक्का लगाना है एंड दोबारा वही मोशन में आप आराम से कर पाएंगे इस स्पीड से जिस स्पीड से मैं अभी कर पा रहा हूँ. एंड इट इज़ एज ईजी एज दैट गाइज, आई डोंट थिंक इट इज़ दैट डिफिकल्ट पार्ट. बस आप बार बार देखते रहेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. थोड़ी इंडेक्स फिंगर जो है वो आपको आगे लेके आनी है बस. गाइज अब मैं आपको बता देता हूँ कि आप पेंसिल के साथ और पेन के साथ भी कैसे कर सकते हैं जो नॉर्मल पेन होता है. आपको लगता होगा कि मैं सिर्फ उसी से कर सकता हूँ, तो इट इज़ नॉट लाइक दैट गाइज. आप किसी से भी कर सकते हैं, आपको इसके लिए मॉप की ज़रूरत नहीं है.
तो आप किसी पेन को उसकी कैप पीछे लगा लेती ताकि पेन की लेंथ थोड़ी लंबी हो जाए। उसके बाद आपको सेम चीज़ करनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा गाइस, बिल्कुल सेम टू सेम चीज़, कोई फ़र्क नहीं है। बस पेन में थोड़ा वेट डिस्ट्रीब्यूशन अलग होता है, दोनों तरफ कैप्स नहीं होती, तो आप उस हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आप किस तरीके से कर सकते हैं। बाकी गाइस दिस इज़ एज इजी एज दैट, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। पेंसिल से ज़्यादा विजुअल लगेगा क्योंकि अगर आप एक अच्छी लेंथ वाली पेंसिल यूज़ कर रहे हैं। अभी आपको दोबारा स्लो मोशन में दिखाया था, आपको क्या समझ में आ जाएगा, इस पोजिशन से आपको इस पोजिशन में आना है। सो गाइज आई डोंट थिंक कि इसमें इतना मुश्किल था, आपको बस इस पोस्चर से इस पोस्चर में आना है और कुछ नहीं है, इस पोस्चर से इस पोस्चर में आना है। दिस इज़ हाउ इजी इट इज़ गाइज, आई होप यू लाइक इट। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ गो चेक दैम आउट, बिकॉज आई हैव लॉट ऑफ ग्रेट वीडियोज़ ऑन माई चैनल, एंड आई विल मीट यू नेक्स्ट टाइम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, बाय।